दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। शाम के समय रानी कहीं दूर से भागते हुए किसी से खुद को बचाते हुए कार में बैठे हुए मोहन से मदद मांगती है। सुनिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे उनसे बचा लीजिए। आइए कार में बैठ जाइए, मैं उनको देखता हूँ कौन है वो लोग और आप यहाँ कैसे आई। मेरा मतलब है, यहाँ से हो या कहीं और से हो आप? मैं अपनी सहेली से मिलने आई थी यहाँ, और उसका घर थोड़ी ही दूर पर है, इसलिए मैंने ऑटो का इंतजार किया। कुछ देर बाद वहाँ एक कार रुकी जिसपे 4-5 लड़के बैठे हुए थे, वो मुझे खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैं जैसे तैसे वहाँ से जान बचाकर भागी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम रानी है, मैं ऑफिस में काम करती हूँ। आप क्या करते हैं? जी, मैं बैंक में काम करता हूँ और आज लेट हो गया, इसी के लिए आपको बचा पाया। आप बैंक में काम करते हो, मतलब आप गार्ड हो? नहीं, मैं मैनेजर हूँ और मेरा नाम मोहन है। और आपका घर कहाँ है? मोहन रानी को सही सलामत उसके घर ड्रॉप कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानी से मिलने उसकी दोस्त पिया आती है और रानी को कहती है, रानी जी, क्या आपके पास हम जैसे मैंगो इंसान से मिलने का वक्त है? वो क्या है ना, आजकल आप पता नहीं किसी और ही दुनिया में खोई रहती हो, बता सकती हो कुछ? ये क्या मजाक है, तुम खुद बिजी रहती हो और मुझ पर सारा इल्जाम डाल रही हो, बहुत खूब। और सुनाओ, क्या बात है, आज बिना मैसेज किए ही घर मिलने आ गई? तू कहे तो वापस घर चली जाऊं और दोबारा तुझे मैसेज करूं। रानी जी, क्या मैं आपके घर आ सकती हूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो? अरे यार, तू तो बुरा मान गई मेरी जान। सुनना, मुझे कुछ कहना है तुझसे, बड़ी मजेदार बात है। पता है, कुछ दिन पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, कहीं चोट तो नहीं लगी तुझे? दिखा मुझे कहाँ लगी है तुझे, तभी कहूँ तो इतना गुमसुम क्यों रहती है, कॉल करो तो कॉल का जवाब नहीं देती। अरे मेरी माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही मुझे चोट लगी है, बस मुझसे कुछ खो गया है, इसलिए मैं उसी बारे में सोचती रहती हूँ। क्या खो गया, अब बता मुझे, फटाफट मैं लाकर तुझे दूंगी। रानी पिया की बात सुनकर हंसने लगती है और उसे मोहन के बारे में सब कुछ बताती है कि वो कैसे मिले, कैसे उसने उसकी मदद की। ये सारी बातें सुनकर अब पिया हंसने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन रानी और उसकी दोस्त पिया बाहर जाते हैं तो उन्हें मोहन दिखता है और रानी से बोलता है, हेलो रानी जी, पहचाना आपने मुझे, मैंने आपको उन गुंडों से बचाया था, याद है? मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप आज इतने दिनों बाद जाके मुझे मिली हैं। जी, पहचान लिया, आप मेरी दोस्त ने मिलिए, ये पिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और पिया ये वही है जिसने मेरी जान उस रात बचाई थी। अच्छा, तो वही है जो बैंक में गार्ड की जॉब करते हैं? ना ना नहीं, मैं मैनेजर हूँ। पिया, रानी और मोहन तीनों मजाक मस्ती करते हैं और अपना फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रानी और मोहन में नजदीकियां बढ़ने लगती है और एक शाम मोहन रानी के घर उससे मिलने आता है और रानी के पिता से कहता है, नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम मोहन है और मैं आपकी बेटी रानी से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे? लेकिन मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ और ना ही आपके बारे में मुझे कुछ पता है, ऐसे कैसे मैं अपनी बेटी रानी की शादी आपके साथ करवा दूँ? मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, बैंक में मैनेजर हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, और रही जान पहचान की बात, तो आप मेरे घर आकर मेरी माँ से मिल लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी की शादी बिना उसके मर्जी के किसी के भी साथ कर दूँ? अरे, उसकी हाँ ना भी तो पूछनी पड़ेगी ना मुझे, पहले मैं उससे पूछ लेता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं भी यही चाहता हूँ, आप रानी से उसकी मर्जी पूछ लीजिए, फिर अगर आपको ठीक लगे तो शादी भी करवा दीजिएगा। मोहन अपनी बात खत्म करके चला जाता है। कुछ समय बाद सुनील रानी को मोहन के दिए शादी का प्रस्ताव बताता है, रानी भी मान जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब रानी की शादी का दिन नजदीक आ रहा था, तभी उसे एक रैंडम कॉल आता है। हेलो, कौन, कुछ बोलते क्यों नहीं, मुँह में जबान नहीं है क्या? ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, अब बार बार फोन करके मुझे तंग मत कीजिए। हेलो मेरी जान, पहचाना या भूल गई मुझे? मैं तुमसे मिलने के लिए वापस आ रहा हूँ। नहीं प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, मेरी शादी होने वाली है, छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुझे, अगर तूने मुझसे मिलने के लिए मना किया
तो मैं तेरे होने वाले पति के पास जाऊंगा और तेरी कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस है मैं उसे दिखा दूंगा, समझी तू? प्लीज राहुल ऐसा कुछ मत करो वरना मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो फटाफट से ना मुझसे मिलने के लिए आ जा, मैं तुझे एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। आधे घंटे के अंदर ना तू मेरे सामने होनी चाहिए, वरना तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इतनी रात को कैसे? मैं कल सुबह आती हूँ तुमसे मिलने, कसम से। ठीक है तेरी भी बात मान लेता हूँ, लेकिन सुबह तक तू मेरे सामने नहीं आई तो मैं तेरी फोटोस वीडियोस तेरे होने वाले पति को भेज दूंगा। राहुल रानी का बॉयफ्रेंड था जो अभी अभी जेल से बाहर निकला था। राहुल एक मवाली गुंडा टाइप लड़का था जिसने रानी के साथ जबरदस्ती का रिश्ता बनाया था। ये है राहुल की कहानी। कुछ देर बाद रानी राहुल के पास पहुंच जाती है। तुम कब जेल से रिहा हुए? अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें लेने जरूर आती। क्या कहा तूने? तू मुझे लेने आती? चल झूठी, तू तो अपनी शादी के तैयारियों में लगी हुई है। लगता है तुम बाप बेटी ने मिलके किसी पैसे वाले को फंसाया है। सही है? ऐसा कुछ नहीं है, आपके जेल जाने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही रहने लगी थी। पिताजी को मेरा उदास रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज मेरी शादी की वजह से वो खुश हैं। मैं अपने पिताजी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चल एक काम कर, तू मुझसे शादी कर और उससे तेरे बाप की जान बच जाएगी। ऐसा मत बोलो, मैं किसी और की बीवी बनने वाली हूँ, अगर उसे पता चल जाएगा तो ये रिश्ता टूट जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तेरा रिश्ता टूटे या तेरा बाप मर जाए, मैं तो कहता हूँ ना मरने दे उस बुड्ढे को। एक काम करते हैं, मैं ही उस बुड्ढे को मार देता हूँ, क्योंकि उसी बुड्ढे के कारण ना तुम उससे दूर है। और हाँ एक काम करता हूँ, अगर तेरा वो पति बीच में आया ना तो उसे भी मार दूंगा। सही है? वैसे तेरे होने वाले पति को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसे सच्चाई बताना है बस, सब कुछ तो वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मार डालो मुझे, लेकिन ऐसा मत करो, मेरे पिताजी को अभी अभी खुशी मिली है, छोड़ दो उन्हें। मोहन को कुछ भी मत बताओ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। सच में? जो मैं कहूंगा तू वो करेगी? तो ठीक है तू घर जा, और हाँ शादी वाले दिन तेरी और मेरी शादी होगी, और अगर बीच में कोई आया तो उसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा, चाहे वो तेरा बाप हो या वो मोहन, सब मरेंगे, लेकिन शादी तो तेरी मुझसे ही होगी। राहुल के धमके सुनकर रानी सहम सी गई थी और अब वो क्या करे सोचने लगी थी कि इतने में उसे मोहन का कॉल आता है और वो मोहन से कहती है, हेलो मोहन, मुझे आपसे मिलना है अभी, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। कब तक मिल पाएंगे आप? लेकिन आपको मेरे घर आना होगा, मैं कहीं बाहर नहीं मिल सकती। अरे रानी कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर आराम से मिलते रहना, और जरूरी बात का बहाना मत दो, मैं सब समझता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जल्दी मिल ले आओ, अगर कुछ गलत हो गया तो मुझे मत कहना। मोहन रानी की बात सुनकर उसके पास आता है और रानी मोहन और अपने पिता को राहुल के किए गए ब्लैकमेल के बारे में बताती है। तभी मोहन बोलता है, तुम उसके पास शादी वाले दिन जाना और फिर अपनी जान बचाने का नाटक करना, जब मैं पुलिस लेकर वहाँ पहुँचूँ तो पूरे सबूत के साथ उसे पकड़वा देना, और उससे हमारा पीछा छूट जाएगा फिर। हाँ तुम डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गलत नहीं हो, जो उसके कुछ कहने से तुम डर जाओ। पिता और होने वाले पति के दिए गए हौसले के साथ रानी वैसा ही करती है जैसा कि मोहन ने कहा था। फिर क्या था, पुलिस आई और राहुल को पकड़ कर ले गई। फिर उसी शाम मोहन और रानी की शादी भी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।